हर साल की तरह इस साल भी रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा उत्सव मंडल द्वारा अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ नव दुर्गा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में आयोजकों द्वारा दी गई। रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा उत्सव मंडल पिछले 18 वर्षों से नव दुर्गा उत्सव का भव्य आयोजन का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। इस महोत्सव में न केवल नागपुर बल्कि संपूर्ण विदर्भ क्षेत्र से लोगों की अत्यधिक भागीदारी होती है। हर वर्ष पंडाल सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र बनता है, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महिमा, साक्षरता का महत्व, ऑटिज्म जागरूकता, बाल श्रम और अन्य ज्वलंत मुद्दों को उजागर किया जाता है। इस वर्ष हम ड्रैगन को अपना मुख्य विषय बनाकर एक अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। विगत वर्षों में हमारे विनम्र मंडल को कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने आशीर्वाद दिया है, जिनमें प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व राज्यसभा सांसद अजय संचेती और विजय दर्डा जैसे अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं। उनकी उपस्थिति और हमारे कार्यों की सराहना ने हमारी मेहनत की भव्यता को प्रमाणित किया है। 2006 में एक छोटे से प्रयास के रूप में प्रारंभ हुआ यह मंडल आज मध्य भारत का एकमात्र ऐसा नवदुर्गा उत्सव मंडल है जो सामाजिक और सांस्कृतिक कथाओं को धार्मिक आस्था से जोड़कर प्रस्तुत करता है। इस साल नवरात्रि पर इस तरह के विविध कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें 3 अक्टूबर को पवित्र दुर्गा घाट की स्थापना, 5 अक्टूबर को मुंबई की सोनिया परचुरे और समूह द्वारा प्रस्तुत भगवती नामक मनमोहक नृत्य नाटिका, 6 अक्टूबर को मुंबई के एक प्रसिद्ध बैंड द्वारा अभंकर रिपोर्ट नामक लाइव कॉन्सर्ट और आनंद शिंदे का प्रचार कार्यक्रम, 7 अक्टूबर को लोकप्रिय स्थानीय गायक निरंजन पोपड़े और समूह द्वारा भक्ति संगीत प्रस्तुति बने स्वराभिषेक, 8 अक्टूबर को प्रसिद्ध मराठी अभिनेता शरद पोक्षे द्वारा भारत आज कल और कल पर प्रवचन, 9 अक्टूबर को प्रख्यात गायक अरिजीत सिंह को समर्पित गायक राहुल साली द्वारा लाइव श्रद्धांजलि कॉन्सर्ट, 10 अक्टूबर को प्रसिद्ध जागरण सादर करने वाली बहनें दीपाली और सोनाली दुबे द्वारा आध्यात्मिक जागरण, 11 अक्टूबर को नव चंडी यज्ञ, महाप्रसाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम, 12 अक्टूबर को भव्य दशहरा मिलन समारोह, 13 अक्टूबर को पवित्र दुर्गा घट का विसर्जन आदि किया जाएगा। मी प्रसन्न मोहिले, संस्थापक अध्यक्ष राणी लक्ष्मीबाई दुर्गा उत्सव मंडळ लक्ष्मीनगर नागपूर। हे आमचं 19वं आयोजन आहे। दरवर्षीप्रमाणे आम्ही यंदा पण एक वेगळ्या थीमवरती, ड्रॅगन या थीमवरती तिथे मोठा पंडाल उभारला आहे। याचबरोबर आम्ही 35 स्टॉल्स खाण्याचे उभारले आहेत फूड कोर्टमध्ये आणि 9 दिवस वेगवेगळे कार्यक्रमांचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे। सोनिया परचुरे या फार फेमस नृत्यांगना आहेत, त्या भगवती याच्यावरती कार्यक्रम सादर करणार आहेत आपल्या 25 महिलांसोबत। त्याचबरोबर इथे अभंग रिपोस याचा कार्यक्रम होणार आहे, तुकाराम आणि एकनाथांच्या आधारित एक फ्युजन बँड मुंबईहून येतो आहे हा कार्यक्रम सादर करायला। आणि त्याच्यासोबत निरंजन बोबडे आपले विदर्भाचे कलाकार जवळपास 150 कलाकारांसोबत नृत्यनाटिका सादर करतायत। अभिनेता शरद पोंक्षे हे येत आहेत व्याख्यानासाठी, ते भारत काल आज आणि उद्यावरती कार्यक्रम सादर करणार। त्याच्यानंतर अरिजित सिंग यांना ट्रिब्यूट म्हणून राहुल साली हे सिंगर त्यांना ट्रिब्यूट सादर करतील 9 तारखेला। 10 तारखेला प्रख्यात जागरणाच्या सिंगर सोनाली दीपाली दुबे यांचा कार्यक्रम जागरणाचा देवीचा आयोजन होईल। असे वेगवेगळे कार्यक्रम आपण करतो आहे। याच्याचबरोबर आमच्या इथल्या लोकल महिलांचा मुलांचा सांस्कृतिक कार्यक्रम 11 तारखेला करतो आहे। आम्ही याच्या माध्यमातून दरवेळेला एक वेगवेगळा उपक्रम सामाजिक हातात घेतो। आम्ही मातोश्री वृद्धाश्रमला सपोर्ट करतो दरवर्षी। याच्या माध्यमातून आम्ही 25 डिजिटल क्लासरूम्स महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये आम्ही केलेले आहेत। आम्ही ऑटिस्टिक स्कूलला मदत केलेली आहे। असं वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम आम्ही हातात घेतला। असे वेगवेगळे सामाजिक उपक्रम आम्ही दरवर्षी हातात घेतो आणि यंदासुद्धा आम्ही सामाजिक उपक्रम घेण्याचा आमचा याच्याबद्दलचा विचार आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।